विदिशा जिले के गंज बासुदा में राजस्थान में हुई दुखद घटना पर दोषियों को फांसी की सजा देने हेतु महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा भेल बुकना गांव में एक व्यक्ति द्वारा मंदिर की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किया जा रहा था। जब मंदिर के पुजारी द्वारा कब्जा करने से रोका गया तो कैलाश मीना व उसके अन्य साथियों ने मंदिर के पुजारी पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। यह घटना ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही दुखद घटना है। देश के अलग अलग राज्यों में ब्राह्मण समाज के प्रति ऐसी घटना घटित हो रही है जिससे ब्राह्मण समाज में अति आक्रोश है। गंज बसोदा ब्राह्मण समाज ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन SDM को दिया जिसमें ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ लोगों ने मांग की है कि पुजारी हत्याकांड में दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जो दोषी हो उसको फांसी की सजा दी जाए। गंज बसोदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ब्राह्मण एकता की तरफ से भी हम सब ने ज्ञापन दिया है और अपराधी को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और सजा दी जाए। और जो परिवार है, जो गरीब पुजारी का परिवार है, उसके लिए उसको भी ना एक सरकारी नौकरी दी जाए उसके परिवार में, जैसा कि चल रहा है हर जगह कि अगर ना हाथरस में कोई कांड होता है तो परिवार को नौकरी दी जाए, ये दिया जाए, 50 लाख दिया जाए। तो मेरा मतलब है कि उस पुजारी, वो तो गरीब पुजारी थे ना, उसको भी दिया जाए, उसके साथ भी न्याय सबके साथ किया जाए। अगर न्याय होगा तो सबके साथ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम सड़कों पर आएंगे, फिर हम सड़कों पर आएंगे, बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे, न्याय तो होगा। राजस्थान के तुकमा गाँव में एक पंडित समाज के व्यक्ति को अति के मन में जमीन जो दी गई है उसके विरोध करने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया गया, उसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। और हमारा कहना है आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार ब्राह्मण समाज को हो रहा है, विशेष तौर से UP गवर्नमेंट में जिंदा जलाए जा रहे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सब ये मांग करते हैं अगर इसी प्रकार होता रहा और प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो हम लोगों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दो शब्द बोलना चाहूँगी कि पूरे प्रदेश और देश में बहुत अत्याचार हो रहे हैं, चाहे किसी का मर्डर हो, मार दिया जा रहा है, शासन बिल्कुल देख नहीं रहा है, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। इस अपराधी में मेरा मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण ही है तो हम ब्राह्मण को उससे नहीं बोल रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है, कोई वो नहीं होता है। दलित होते तो बीच में चकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पाप किया है, अपराध किया है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सजा, सबको मिलकर एक होकर सजा दिलवाना हमारा कर्तव्य बनता है। नहीं, ब्राह्मण एकता की भी याद कर रहे हैं तो वो भी तो आप। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।